तो हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो? तो फिर से आ चुके थे हमारे ब्लॉग में। तो आज हम जाने वाले हैं शामी, जो हमारी माता जी का पुराना मंदिर है, वहीं पे हम जाने वाले हैं। वहीं पे हमारी माता जी का मंदिर है, तो चलो तो फिर हम चलते हैं वहाँ पे। शामी जाने वाले हैं आज गाइस, तो चलो तो फिर हम चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम हमारी एक्टिवा लेके अब निकलने वाले हैं, तो चलो तो फिर हम निकलते हैं तो समय जाने के लिए। तो चलो तो फिर हम, तो गाइस हम हाईवे पर अब निकल चुके हैं। रास्ते पर तो देखिए मौसम बहुत सुहाना, बहुत ही अच्छा है। तो गाइस हम अब निकल चुके हैं समय जाने के लिए। बहुत ही आधे घंटे का ये भी रास्ता नहीं है, बहुत ही पास ही में पड़ता है आरिस से। और सभी बहुत ही अच्छा नदी के कैसे यहाँ पे तो हम निकल चुके हैं। यहाँ पे सभी भाई भाई पे हमारा पहले मेरे दादा और वो रहते थे। वहीं पे हमारा मंदिर था, वहीं पे हम दर्शन करते हैं। बस स्टैंड भी है, वो बस स्टैंड भी आएगा और बाजार भी इसके अंदर आएंगी। तो गाइस आप देख सकते हो, देख सकते हो गाइस यहाँ पे बाजार में हम एंटर हो चुके हैं गाइस। और अब बस पहुँचने ही वाले हैं हमारे सभी घर के। और ऐसा देख सकते हो बाजार में एंटर हो चुके हैं और बाजार के अंदर हम जाएंगे। जमी याद वाला हो ना, वहीं पे बस स्टैंड है और इसके अंदर जाने वाले हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर तो हम आए थे गाइस और बहुत ही गंदगी थी, पानी पानी बहुत ही गंदगी थी गाइस। अच्छा नहीं था गाइस, मैं आप लोग आगे दिखाऊंगा, आगे देखिए दे सकते आप कितनी गंदगी। हमारे आने जैसे रास्ते भी नहीं, बहुत अच्छे नहीं है। आप देख सकते हो कीचड़ भरा हुआ रास्ता है। फाइनली गाइस हम अब थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हमारे यहाँ प्लेस पर, हमारे माता जी के मंदिर में। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे अब आगे ही हमारे हम मोड़ देंगे हमारी एक्टिवा को। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे ये रास्ता बहुत ही अच्छा नहीं था गाइस, बहुत ही कीचड़ वाला था। तो चलो तो फिर मैं आपको बताता हूँ हमारा मंदिर समी का, हमारा माता जी का। यहाँ पूनम में और कवर में तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम मुड़ गए हैं और हमारे जो शाम देख सकते हो गाइस।
झूमर देख रहे हो बहुत ही अच्छी और लाइटिंग है स्पेशल हमारा मंदिर के लिए। तो अब गाइस आप देख रहे हो तो बहुत ही अच्छी लाइट यहाँ पे पड़ रही है और ये हमारा मंदिर है। अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से क्योंकि बहुत देर हो गई है, अभी घर जाके पाली बनी है तो चलो तो फिर हम निकलते हैं अब यहाँ से समय से। तो गाइस हम समय से निकल गए हैं हारी जाने के लिए गाइस, क्योंकि बहुत देर हो रही थी क्योंकि हमारे घर जाके जल्दी से हमको बलि के लिए माता जी की बलि बननी है, इसलिए बहुत ही लेट हो चुका था गाइस। जल्दी से जल्दी निकल गए, बहुत ही टाइम नहीं रहे गाइस। आप देख सकते हैं आप निकल चुके हैं गाइस, तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा और मौसम, बहुत ही मौसम है। तो आप देख सकते हो गाइस सामने ऊपर वाला बादल कितना मौसम और बैकग्राउंड और बहुत ही मौसम अच्छा है गाइस। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे बादल गाइस पे आपको दिखता हूँ कितना अच्छा दिख रहा है ये बादल। आप देख सकते हो यहाँ पे प्राकृतिक वातावरण कैसा अच्छा और बेहतरीन है। तो गाइस फाइनली गाइस हम बारिश भर के सभी हमारी पल्ली का हम सामान ला चुके हैं, तो सब कुछ हमें हम करने वाले हैं गाइस। तो फिर से हम घर यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो देख सकते हैं तो ये मेरा घर है, ये रूम है लास्ट वाला मेरा रूम है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और आज मैं दूसरा वीडियो ऐड करने वाला हूँ जो कि हम घर पे ही हमारी माता जी की पल्ली भरने वाले हैं। तो चलो तो फिर हम काम करते हैं कि क्या क्या होता है हमारे माता जी की पल्ली में। तो चलो तो फिर मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी मम्मी पल्ली का काम कर रही है, यहाँ पे हमारे माता जी की पल्ली भरने के लिए क्या क्या होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी चीज़ें बनाई जाती है, वो सब जो के और जितना का है वही इतना ही हमको बनाना पड़ता है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, चलो तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो फाइनली गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी पल्ली की तैयारी हो रही है, हमारे पापा सब सामान यहाँ पे पल्ली का यहाँ पे सब आ चुका है, वो गुठ रहे तो आप देख सकते हो गाइस। तो ये सब सामान पूरी है, ये बड़े है और आप देख सकते हो यहाँ पे खिचड़ी और सब यहाँ पे। अब इसके ऊपर हम पूरी अब डालेंगे, आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे। बाद गाइस ये आप देख सकते हो तो ये त्रिकोण आकर के बड़े अब लगाए जाएंगे इसके ऊपर, तो आप देख सकते हो गाइस। गाइस आप देख सकते हो तो इनके ऊपर हमारे अब बड़े सब लग चुका है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो बड़े इसमें नीचे डाले हुए है, तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे। यहाँ पे गोल आकार के हमने बनाए थे वो यहाँ पे मिल रहे, तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे हमने पूरी का पूरा गूंथ लिया है, तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे अब इसके ऊपर हम ये डिवेट हमने बनाई उसके ऊपर घी डालेंगे। ये डिवेट जो हमने बनाई है वो एक एक जगह ऐसे हम गुठा देंगे, तो आप देख सकते हो ऐसे सभी जगह हम एक एक डिवेट मिलेंगे। तो ये हमारे पापा है,
आप देख सकते हो गाइस ये काऊ है जो हमने एक एक करके यहाँ पे मिलेंगे, तो आप देख सकते हो। मम्मी लोटो लाल जी तो गाइस पल्ली भरी पासी से लग रहा सब देख सकते हो। यहाँ पे नारियल है उसका धूप किया जा रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा हम ये डालेंगे और घी डालेंगे, धूप थोड़ा सा अच्छा बने, तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर ये सब कुछ डाला गया है। फाइनल गाइस यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे दीवे प्रगटाए जाएंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ पे हमने दीवे गुठी थी वहाँ पे। कैसे यहाँ पे देख सकते हो कितना औसम और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हो नारियल फोड़ रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नारियल का पानी निकल रहा है। देखा होगा कि हमारे यहाँ ऐसी पल्ली भरी जाती है आठम के दिन। तो गाइस तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक है सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू गाइस, तो चलो तो फिर दूसरे ब्लॉग में हम मिलते हैं, तो बाय गाइस।